तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही जारी है। इसी बीच भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने तुर्की में मोर्चा संभाल लिया। भारतीय सेना ने भूकंप प्रभावित इलाके में फील्ड हॉस्पिटल बना लिया, जहां घायलों का लगातार इलाज जारी है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की तीन टीमें अलग अलग क्षेत्रों में इमारतों के मलबों में जिंदगियों की तलाश कर रही। तुर्की और सीरिया में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र तुर्की और सीरिया के बॉर्डर के पास था। ऐसे में दोनों देशों में भारी तबाही हुई है। तुर्की और सीरिया में अब तक भूकंप से 15,000 लोगों की जान जा चुकी। तुर्की में अब तक 12,391 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि सीरिया में 2,992 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोनों देशों में 11,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई है, वहीं घायलों की तादाद भी 15,000 से अधिक है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को विशेष मदद भेजी है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की तीन टीमें रेस्क्यू के लिए तुर्की पहुंची। इन टीमों में विशेष रेस्क्यू डॉग स्क्वाड भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी तुर्की पहुंची है। भारतीय सेना ने हताए शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया, जहां लगातार घायलों का इलाज जारी है। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू अभियान चला रही। हालांकि ठंड बर्फबारी के चलते तुर्की में रेस्क्यू अभियान काफी कठिन होता जा रहा। प्रभावित हिस्सों में फंसे भारतीय सुरक्षित है, लेकिन एक भारतीय लापता है। भारत सरकार तुर्की में लापता भारतीय के परिवार के संपर्क में बना हुआ है। भारत ने भूकंप ग्रस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें कि तुर्की में रह रहे भारतीयों की संख्या 3,000 है और सभी सुरक्षित हैं। तो वहीं तुर्की ने भारत द्वारा दी जा रही मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया। तुर्की के राजदूत ने ट्वीट करते हुए लिखा था, दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है। हमारे पास एक तुर्की कहावत है कि जरूरत के काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बीते सोमवार को तुर्की में आए विध्वंस तूफान के चलते अब तक 12,392 लोगों की मौत हो चुकी। फिलहाल तुर्की में आई इस मुश्किल घड़ी में निकलने के लिए भारत सरकार संजीवनी के लिए तुर्की में अपने दल को लगातार भेज रही है, जो हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।